हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम के अपडेट के बाद कुछ लोगों को इंस्टाग्राम डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको क्लियर बता देते हैं कि इंस्टाग्राम जब से अपडेट हुआ है तो वो ऑप्शन कहाँ पर चला गया है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में इस इंस्टाग्राम को आपको अपडेट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन दिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें से आपको हेल्प सेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद सारे ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा मैनेज योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर अपडेट से पहले यहाँ पर दिखाया जाता था इंस्टाग्राम डिलीट अकाउंट, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन अभी हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इंस्टाग्राम डिलीट का ऑप्शन हट गया तो हमें कहाँ पर मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पीछे बैक ले लेते हैं सबसे पहले, और बैक लेने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आने के बाद फिर से आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको मेटा दिख रहा है दोस्तों, मेटा जिस दिख रहा है उसके नीचे आपको देखिए सी मोर इन अकाउंट सेंटर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल, जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जिसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी देखने की मिलेगी। आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर नीचे जो लास्ट ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, जी हाँ, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखेंगे, मेमोरलाइजेशन और डीएक्टिवेशन और डिलीट, ठीक है। तो हमको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिलीट, डीएक्टिवेशन और डिलीट पर। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। करने के बाद दो अकाउंट हमारे खुल के आ गए, एक तो फेसबुक और एक इंस्टाग्राम। हमें इंस्टाग्राम को परमानेंट डिलीट करना है तो हमें इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अगर आपको डीएक्टिवेट अकाउंट करना है तो दोस्तों जैसे आप चाहते हो कि कुछ दिनों के लिए मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं परमानेंट इसको डिलीट करना चाहता हूं अकाउंट को, नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहां पर आपको रीजन मांगेगा दोस्तों, कोई भी आपको रीज़न लगाना है किस रीज़न से आप अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करना चाहते हैं। चलिए हम इसमें से एक रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आगे आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, जी हाँ दोस्तों, बिना पासवर्ड के यह डिलीट नहीं होगा, तो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहा है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परमानेंट डिलीट करने के लिए डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप परमानेंट अकाउंट को डिलीट पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक काम और करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाए एक महीने तक आपको रेगुलर इस अकाउंट को आईडी पासवर्ड से कभी लॉगिन नहीं करना है। अगर आपने गलती से भी इसको एक महीने के अंडर लॉगिन कर दिया तो दोस्तों फिर से ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए आपको बस इसे एक लॉगिन नहीं करना है किसी भी अपने आईडी पासवर्ड के द्वारा। एक महीने के अंदर ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगा और आप दूसरा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।